नहीं भाई आप कर ले बात, मोहम्मद साहब कुछ बात करना चाह रहा था, बताओ भाई क्या कहना था आपको, मेरी वीडियो अच्छी लगी क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग होंगे खैरियत से। और मैं भी गया था मोहम्मद साहब को जो है ना वो स्कूल छोड़ने, तो ये जो छोटी सी बच्ची है ना ये सुबह सुबह उठ गई और रोने लगी कि मैंने भी साथ जाना है। खुद भी जा रही थी और साथ में अपनी मामा को भी कह रही थी कि उनको भी साथ लेके चले। उनको तो मैंने घर ड्रॉप किया क्योंकि उन्होंने काम करने थे गाड़ी रिवर्स करने तक और गली से निकलने तक, तो वो साथ ही, उसके बाद उनको घर छोड़ दिया और ये मेरे साथ आ गई। तो अभी मैंने किया यानी कि घर के लिए पानी फिल वगैरह करना था, वो उसके कैन वगैरह फिल किए और अभी लेना है जी दूध रस्ते में से और उसके बाद घर चलेंगे। और कुछ और चीज़ें वगैरह खरीदनी थी लेकिन मैं वो लेट हो चुका था यानी कि मोहम्मद साहब को ड्रॉप करने जब आना था तो मैं लेट हो गया, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ ना कि मैं जल्दी जल्दी से अपना वॉलेट जो है ना वो लाना ही भूल गया। अगर चाहूँगा तो मतलब कि वैसे भी क्रेडिट पे भी लेके जा सकता हूँ लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं घर जाऊँ और गाड़ी को खड़ा करूँ और बाइक लेके तो जो सामान वगैरह घर के लिए चाहिए वो छोड़ के जाऊँ। और आपने क्या खाना है अभी बता दो ताकि फिर मैं आपकी चीज़ ले लूँ। क्या खाते हो, क्या खाते हो? चीज़ जी खाती है। दूध लेना है, वहां मैं पहुंच गया हूं और फातिमा यहां बैठेगी और फातिमा के ऊपर सीधी धूप पड़ रही है तो ये नजर नहीं आ रही है। तो चलिए मैं अभी दूध ले लूं और फिर बाकी बात होता है। फाइनली एक डोल दे दी है, दूसरा डोल ले रही है। तो अभी बताता हूं कि दूध कैसे ले रहे होते हैं यानी कि कहाँ से लेते हैं। दरख्त मुझे बड़ा प्यारा लगता है, ऊपर की तरफ बना हुआ जी। तो फातिमा इसको यहाँ रख देते हैं ना, ठीक है, अभी आपने गिराना नहीं है। हाँ जी, तो बात हो रही थी हमारी जी दूध की। तो एक्चुअल में हमारे जानने वाले हैं तो उनके अंदर डेरा रखा हुआ, उन्होंने थोड़ा सा सिटी से बाहर, तो वो लोग दूध अपने घर के लिए लेके आते हैं और उसमें से फिर हम लोगों ने भी कुछ दूध जो है ना उनको कहा हुआ है कि हमने भी लेके जाना, तो जिस वजह से थोड़ा सा दूध जो है ना हम लोग यानी कि ले जाते हैं उनसे थोड़ा सा, मतलब कि जितना घर की ज़रूरत होती है। घर के नज़दीक जो है ना एक यानी कि साफ पानी की लाइन वगैरह डाली जा रही है जो हर घर तक जाएगी, तो उसकी वजह से सारी की सारी यानी कि जो गली है ना वो सारी ख़राब हुई पड़ी है। तो मेरे घर के पास अभी ख़राब नहीं हुई है लेकिन उससे पीछे काफ़ी ज़्यादा यानी कि ये पाइप वगैरह लगा रहे हैं और ख़राब पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि हमारे वाली जो गली है ना ये अभी ठीक है, इसकी खुदाई नहीं हुई है और आंटी जो घर में काम करने आती हैं वो आ गई, अभी अंदर वही गए हैं। अली मैं और फातिमा घर आ गए, तो हम लोग घर पहुंच गए। तो अभी इसको छोड़ूंगा चीज़ें वगैरह निकाल के, तो फिर जो ग्रॉसरी स्टोर पे जाना है जो चीज़ें वगैरह गोश्त वगैरह जो जो चीज़ें लाने वाली हैं वो ला के दे के, तो फिर मैं कहीं अपनी जो एक्टिविटी है जो अपनी मसरूफियत है फिर मैं निकल सकता हूँ ऑफिस वगैरह, तभी जाऊँगा। अभी होंगे ये देखें, तो अभी मैं बताता हूँ सीन हमारे साथ क्या हुआ है कि मैंने पानी की बॉटल्स वगैरह भर के रखी थी वो सारी यहाँ पर गिर गई हैं। तो अभी इस मैट को जो है ना वो निकालना होगा ताकि खुश्क हो सके। ये कैन जो है ना वो निकाल के रख दिए हैं, एक ये पड़ा हुआ है, दूसरा ये पड़ा हुआ है और मैट और डोल जो है ना ये मेरे हाथ में है। ये छोटा बच्चा ये चल रहा है, चलो छोटा बच्चा जल्दी चलो ऊपर जल्दी, शाबाश शाबाश। मैट को जो है ना यहाँ पे धूप में रख देते हैं तो ये खुश्क हो जाएगा और उसके बाद फिर हम इसको गाड़ी में दोबारा फिट करेंगे। अभी वैसे छाँव है इधर लेकिन धूप नहीं आई है, थोड़ी देर में फिर धूप इस तरफ जो है ना वो आ चुकी है तो थोड़ी देर में सूरज जो है ना इधर भी आ जाए। तो जैसे ही घर पहुँची है ना तो नाश्ता रेडी है, पराठा है, सादा रोटी है और साथ में दही। तो वो आते ही अपनी साइकिल पे बैठ गई, अपनी बनी बाई वाली पे अभी से उतरा नहीं जा रहा, अपनी साइकिल इसकी ये खड़ी है। अब नीचे उतरना, कैसे उतरना, कैसे उतरूँ बोलो, अब मुझे तंग नहीं करना, मैं नाश्ता कर लूँ। वहाँ से बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के निकला घर से, वो दोबारा साथ जाना चाह रही थी और अभी ग्रॉसरी स्टोर पर खड़ा हूँ तो यहाँ से लेंगे चीज़ें और सब्जियाँ वगैरह मैं ले आया हूँ लेकिन वहाँ पे एक दोस्त मिल गया, उससे गपशप होने लगी तो फिर मेरे जेन में जा कर मैं वीडियो बनाऊँगा क्योंकि हो जाता है और हम सब चाय पी रहे हैं, चाय की ऑफर हो रही थी लेकिन मैं नहीं पी। और टाइम हो चुका है जी 10:30 बजे का और सामान लेके सारा तो मैं पहुँच चुका और अभी फातिमा को देखना पड़ेगा। जैसे ही फातिमा मिलेगी उसका कहना ये होगा कि बाबा मेरे लिए क्या लेके आए हैं। अब देखते हैं चल के फातिमा है किधर है। हाँ मामा उसकी लैपटॉप पर बैठ कर हम करें और फातिमा सो चुकी है। आज जुमातुल मुबारक है और आप क्या कह रहे हैं जी?
कुछ कहना चाह रहे हैं? सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक कह रहे हैं। और अभी क्या होने वाला है, एक चीज़ें वगैरह लेके आए हैं और उसके बाद मोहम्मद साहब का टाइम हो गया, उसको स्कूल से लाना पड़ेगा और जुमा पढ़ने के बाद ही कोई काम होने वाला है, तो जुमे वाले दिन थोड़ी सी जो है ना वो दौड़ अलग होती है। वो मोहम्मद साहब को ले स्कूल लेके जाने का, यानी कि उसको लेने जाने का टाइम जो है ना वो हो चुका है, लेकिन क्या गाड़ी अनलॉक करनी होगी, तो चलें जी अभी चलते हैं। गाड़ी पहले करनी पड़ेगी रिवर्स और रिवर्स के बाद फिर होने वाला है फॉरवर्ड। तो गाड़ी रिवर्स हो चुकी है और गाड़ी अब चलना स्टार्ट हो चुकी है जी फॉरवर्ड। और मैं जैसे ही निकला और अम्मी जी ने बोला जी चाय पी ले, रास्ते के बाद सुबह चाय नहीं पी थी और मैं चाय पीने लग गया। और मोहम्मद साहब का जो छुट्टी का टाइम था वो हो चुका है और मैं पूरे टाइम पे निकला हूँ। अब वो 5-7 मिनट उसको वेट करना पड़ेगा, होप्स हो के उसकी क्लास जो है ना वो बाज का लेट आती है उसकी बाहर, तो चलें अब वो लेट आते हैं या हम लोग जल्दी पहुँचते हैं, अब इसका फैसला तो बाद में होने वाला है, लेकिन फिलहाल हम लोग जल्दी से ड्राइव करते हैं और चलते हैं स्कूल। मोहम्मद साहब स्कूल से आ गया, लाओ भाई मोहम्मद साहब अपना मास्क दे दो, लाओ भाई लाओ जल्दी से। शाबाश, टीचर ने मुझे काट दिया था। और अच्छा मुझे ये तो दो, लाओ ना उतार नहीं रहे, ये कार्ड और ये मास्क हम लोग यहीं पे इस हैंडल के साथ लटका देते हैं डेली, और फिर वापसी पे जब कल स्कूल आएंगे तो दोबारा पहन लेंगे। अब मोहम्मद साहब को सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी है। और फिर मोहम्मद साहब कब स्कूल आएगा? 4 दिन बाद। 4 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद, बल्कि 2 दिन के बाद मंडे को मोहम्मद साहब दोबारा स्कूल आएगा। नहीं भाई आप कर ले बात, मोहम्मद साहब कुछ बात करना चाह रहा था, बताओ भाई क्या कहना था आपको, मेरी अच्छी लगी क्या? तो पूछ रहे जी व्यूअर्स, आप लोगों को मोहम्मद साहब की वीडियो अच्छी लगी क्या और मोहम्मद साहब के बाबा की भी वीडियो अच्छी लगी क्या? आज जो पढ़ा है ना वो भी बताओ ना, आज क्या पढ़ के आए हो आप? आज मोहम्मद साहब ने क्या पढ़ा है? मुझे नहीं आता। आपको नहीं आता, तो आप ये बताओ ना हम सब कौन हैं? मुसलमान। तो अभी मस्जिद से जुमा पढ़ने के बाद निकल चुका हूँ और मुझे कुछ भूख लगी और घर में भी कुछ पानी था रहा, तो कुछ लाइट सा खाते हैं बाहर से और फिर चलते हैं घर में। और घर जाके मुझे एक दोस्त है उससे काम है। तो बात का ऐसा होता है कि आप लोग ना मतलब घर में कुछ बना भी हो तो पसंद नहीं आता, तो बाहर से खाना पड़ता है। वैसे तो हमारी ऑलरेडी रूटीन इतनी ख़राब होती है कि बाहर से खाने चलते ही रहते हैं, लेकिन अभी क्योंकि सुबह मैंने आधा का पराठा खाया था और अभी काफ़ी मतलब फीलिंग आ रही थी कि 2-2.5 बजे का टाइम हो गया कुछ खाया जाए। तो जुमा पढ़ने के बाद जूस पिया और उसके बाद मैं ये जहर के पास आ गया था और यहाँ पे खड़े होकर तो एक और बंदे को फ़ोन कर रहे थे, शाम को कोई पार्टी प्रोग्राम है हमारा, तो लेकिन जुबैर भाई तो तब से फ़ोन पे लगे हुए हैं, हमें तो कोई लिफ्ट ही नहीं है। और आया था बेसिकली मैं फ़ोन के लिए, एक फहद इसके बड़े भाई से फ़ोन लेना था, लेकिन वो अभी तक शॉप भी नहीं आया, तो अब आएगा तो फिर उससे फ़ोन लेना है, रिपेयरिंग के लिए फ़ोन आया हुआ था। तो अभी निकलने लगा हूँ जिम के लिए और आके मैं वहाँ से जब उज़ैर के पास से आया तो आके मैं सो गया हुआ था और सोने के बाद फिर मैं उठा तो वो की तरफ चला गया उनके याद के लिए, तो वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकता था। तो अभी फिर मैं जिम के लिए निकलने लगा था तो मैंने सोचा कि आपको दोबारा ये बैग पहन चुका हूँ और इसमें लैपटॉप भी है। वापसी पर मुझे एक काम है दोस्त के साथ, तो उसे कुछ अपनी यानी कि कुछ IT के रेलिवेंट कुछ मैंने उसे सेटिंग करवानी है, तो उसके पास थोड़ा रुकना पड़ेगा और फिर वापस आएंगे घर को। तो देखो मसान जो है ना वो नीचे वाले रूम में स्टडी रूम में बैठ के तो पढ़ रहे हैं। फातिमा आप क्या कर रहे हो, तेज चलाओ। फातिमा साइकिल चला रही है। आप क्या हो, अच्छा बच्चा हो, किसने कहा है? तो ये दोनों माँ बेटा बैठ के तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये इनका स्टडी रूम है, पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है। ये आज क्या लिख रहे हैं? ये और तो शाम को पार्टी से मैं काफ़ी लेट आया और फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। और शाम को जब लेट आता हूँ वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि उसमें सिनेरियो ये होता है
घर में सारे सोए होते हैं तो बंदा आके बोलना स्टार्ट हो तो फिर मतलब कि ना परेशानी होती है कि क्या हो गया, क्यों इस वक्त मतलब क्या बोल रहे हैं। तो इस वजह से जब शाम को लेट होता हूँ तो बाज़ कर वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों के खैरियत से, और आप लोगों को बोलते हैं जी अल्लाह हाफिज़। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ आने वाली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।